Hello people, I just can't be calm because right now I have Rajkumar Rao with me and we are going to talk about Omerta. Omerta, yes. Okay. So, आज हमने ट्रेलर देखा और अभी तक आपकी जितनी भी फिल्में देखी हैं उससे ये रोल बिल्कुल ही हट गया. आपको नहीं लगता ऑडियंस आपको हेट भी कर सकती है? मैं चाहता हूँ ऑडियंस हेट करे. मतलब जैसे जब लोगों ने क्वीन देखी थी और विजय को जब इतना हेट किया था, दैट्स व्हाट आई वांटेड. यू नो, यू कांट रियली लाइक पर्सन लाइक विजय और उमर. वेरी डिफरेंट पर्सन ऑफ कोर्स. उमर इज अ रियल लाइफ कैरेक्टर बट ही इज अ विलन. लाइक फ्रॉम अवर पर्सपेक्टिव ही इज डेफिनेटली अ विलन बिकॉज व्हाट एवर ही डज वी डोंट बिलीव इन दैट और हम लोग उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम भी करते हैं. तो मैं चाहता हूँ जब लोग बाहर आएँ तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वो लोग दिल थिंक अबाउट इट, इट विल मूव देम समवेयर एंड दे विल हेट दिस गाय. टेररिज्म इतना ज़्यादा, सो दे विल आल्सो बी स्केयर्ड ऑफ दिस गाय. टेररिज्म इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है उसके बाद में, और कम्युनिटीज़ का भी रहता है. तो डोंट यू थिंक कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में भी ऐसा हेट्रेड आ सकता है? नो, बिकॉज हम लोग किसी कम्युनिटी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं. हम लोग मैं और हंसा सर दोनों बहुत ही सेकुलर लोग हैं और हम लोग एक इंसान की कहानी कह रहे हैं. हम लोग टेररिज्म की कहानी कह रहे हैं. हम लोग एक ईविल माइंड की कहानी कह रहे हैं और वो ईविल माइंड किसी का भी हो सकता है. जो टेररिज्म के अलावा जो क्राइम होते हैं दुनिया में, यू नो, वो भी ईविल माइंड ही है. एन ईविल माइंड इज एन ईविल माइंड. लेकिन एक क्या पॉइंट ऐसा था कि आप इस कहानी को बताना चाहते थे? क्या पॉइंट है वो ऐसा? आई थिंक हम सब लोग कहीं ना कहीं टेररिज्म से ग्रस्त हैं. यू नो, वी ऑल आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टेररिज्म. और ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं उमर जैसे, जो बहुत ही ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते थे बट दे चोज दिस वे. तो ये क्यों वो ऐसा करते हैं और क्या वो करते हैं और एंड हाउ इज़ दिस होल वर्ल्ड ऑपरेट्स, जो हमने अभी तक देखा नहीं है. थैंक यू सो मच राजकुमार एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. थैंक यू.